नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आपको बता दें कि ईसागढ़ जनपद पंचायत ईसागढ़ की ग्राम पंचायत कुरायला के प्रत्याशी अरविंद अहिरवाल को अनिल रघुवंशी सांसद प्रतिनिधि व ग्रामवासियों ने सरपंच चुना। ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आइए सुनते हैं अनिल रघुवंशी ने मीडिया कर्मियों से इस संबंध में क्या कहा। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल रघुवंशी है। अनिल रघुवंशी जी, ग्राम पंचायत कुरायला। कुरायला सर, आपने जो प्रतिनिधि उतारे आपकी पंचायत में, तो कितने वोट से जीते हैं? वो 302 वोटों से जीते हैं। 302 वोटों से जीते हैं। ये जीत जनता की जीत है या आपकी जीत है? ये जनता की ही जीत है। इस क्षेत्र में दलित शोषित वर्ग काफ़ी है। इस पंचायत में हरिजन वर्ग की संख्या ज़्यादा है, आदिवासी भी हैं। इन लोगों को सरकार की योजनाओं के लाभ की आवश्यकता रहती है। उन सब की आशा का केंद्र हम लोग थे। चूंकि पिछले वर्षों में हम लोग उन सब लोगों की सेवा करते रहे, इसलिए उनको हमसे आशा थी और इसलिए यह आशा आज इन मतों के रूप में तब्दील हुई और भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी को इस पंचायत की जनता ने जिताया है। सर, ये जो भारी बहुमत मिला आपको, जनादेश मिला है क्षेत्र की जनता से, तो उस जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उस जनता के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजना जिनसे उनको लाभ मिलता है, उन योजनाओं का लाभ सीधे सीधे उनको बिना किसी रिश्वत देते हुए, बिना किसी देरी के यथासंभव शीघ्र मिलेगा। ये विश्वास मैं इस क्षेत्र की जनता, इस ग्राम पंचायत की जनता को दिलाना चाहता हूँ। जीरो टॉलरेंस, कोई सेक्रेटरी, सचिव, रोजगार सहायक या पटवारी, ग्राम सेवक, जो भी निजी जरूरत, मतलब जो छोटी छोटी जरूरतें जिनकी जनता पूरी, जो कर्मचारी करते हैं, वो बिना किसी रिश्वत के इस पंचायत में काम करेंगे। जनता ने आपको जनादेश देकर, जनता काफ़ी 8 साल से त्रस्त थी और इसलिए ये जनता का जनार्दन आपको मिला, उस जनता के जनादेश को आप क्या संदेश करेंगे? आपने जैसा कहा कि त्रस्त थी, तो इस बात का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मरकटशाला होती है, आप अभी देखेंगे मेरे घर के पीछे ही मरकटशाला बनी हुई, इसी कार्यकाल में बनी हुई है। उसके गेट बचे नहीं, बाउंड्री पूरी गायब हो गई। तो ये मतलब ऐसी ही, इसी तरह का विकास इस क्षेत्र में हुआ, जहां हमारे नरेंद्र मोदी जी इस देश की गरीब जनता को आवास दे रहे हैं, उन आवासों में भारी मात्रा में लूट कसूट हुई। इन सब बातों को लेकर यहां की जनता त्रस्त थी। जो आपने कहा त्रस्त, तो वास्तव में त्रस्त थी और कहीं ना कहीं आशा हमसे थी, क्योंकि पिछले वर्षों में कहीं कोई बीमार हुआ तो मैं उनको दिल्ली के एम्स भी लेके गया, भोपाल एम्स में भी मैंने लोगों का इलाज करवाने का प्रयास किया और जहां उनको जरूरत लगी वहां हम लोग खड़े रहे।